तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग F15 5G मॉडल। तो दोस्तों आज आपको दिखाएंगे कि आप इसका स्टार्टिंग सेटअप कैसे कर सकते हो। जब आप नया फ़ोन लेते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहाँ फिर आप फ़ोन को रीसेट करते हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करना है, टिक लगा देनी है। टिक लगाने के बाद एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्ले स्टोर की आईडी यहीं से बनाना चाहते हो तो आप जहाँ से इसको वाईफाई के साथ जहाँ फिर अपने नेट चालू करके बना सकते हो। अगर आपको आईडी बनाना नहीं आता तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है प्ले स्टोर की आईडी कैसे बनाए। तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ पर इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, मोर पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट पासवर्ड कुछ भी जहाँ पर लगाना चाहते हो तो जहाँ पर लगा सकते हो। अभी हम फिलहाल जहाँ पर नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ से इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद जहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। और जहाँ पर जो सैमसंग अकाउंट बोल रहा है आपको बनाने के लिए तो फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो अभी यहाँ से नहीं बनाएंगे, फिर स्किप कर देंगे। स्किप कर देंगे, एग्री कर देंगे। और दोबारा से ये डार्क मोड है, ये सिंपल है, हमें डार्क नहीं चाहिए, ये लाइट वाला मोड ही हमें चाहिए। जहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, उसको फिनिश करेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।